हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैंने सपना दीदी की वीडियो देखी हुई। यार, देख के मेरे को इतनी हैरान की हुई कि एक औरत पे इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। उनकी ज़िंदगी उथल पुथली हो गई है। उनके हस्बैंड तो नहीं है इस दुनिया में, बच्चों के लिए है, पर समाज किसी को छोड़ता नहीं है। फिर भी कम से कम देखो कि बच्चों के लिए जी रही है, बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहती है, उनकी सहायता करो। पर उनके कमेंट बॉक्स में देखा मैंने, यार अच्छे अच्छे कमेंट करो, वो मोटिवेट हो। यहाँ मेरी शादी हुई थी, मैंने आज वो रिकॉर्डिंग सुनी तो मेरी हालत इतनी रो रो के खराब हो गई। मेरी सबसे पहले जो शादी हुई थी ना, वो हुई थी सूरत जी से। जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे, वो मेरे पहले हस्बैंड थे। यहाँ मेरी शादी होके आई थी। प्यार भी करते थे और नहीं भी करते थे, जो भी था। मतलब मैं ये कहूँगी कि प्यार करते हो तो तुम कुत्तों जैसा सलूक कैसे कर सकते हो मेरे साथ में। आज कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरे सास ससुर सही हैं, है ना। तो मैं शुरुआत करूँगी अपनी ज़िंदगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ, मैं बिल्कुल थक गई हूँ छुपा छुपा के। जब से मेरी शादी हुई है मैंने इनकी गलतियाँ सिर्फ और सिर्फ छुपाई हैं। और कोई लड़की होती ना, उसी दिन इनको छोड़ के चले जाती, इनकी औकात दिखा देती। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। ये पता है क्या करते, मारते पीटते, फिर दूसरे दिन प्यार से बोलना, पहले चिल्लाएंगे, अपनी औकात दिखाएंगे, फिर प्यार से बोल देते। मेरे को ये था, मैं डरती थी। 18 साल की शादी हुई थी, कितना दिमाग होता है 18 साल की लड़की में। तो मैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं सहन कर लेती थी। मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं सहन करती थी। आज मैं मुंह से नहीं बोलूंगी, आज मैं आप लोगों को वो सच्चाई दिखाऊंगी जिससे आपकी खुद की रूह कांप जाएगी। वो चीज़ मैंने सहन करी है। मैंने मुझे कुत्तों की तरह मारते थे, मेरा सर दीवार में फेंकना, मेरा मुंह बंद कर लेते थे, मेरा गला दबा देते थे। सूरज जी की बात कर रही हूँ, है ना। फिर सूरज जी, फिर भी मैं उनसे इतना प्यार करती थी ना, हद से ज्यादा। हर टाइम उनका साथ दिया, उनके घर में रही। आज ये कहते हैं ना कि अब क्यों मायके जाती है, पहले तो जाती नहीं थी, कुत्तों की तरह मारते थे मेरे को, कुत्तों की तरह। रिकॉर्डिंग सुनो पूरी पूरी, कैसे मार रहे थे। फिर मैं उनको बचाव के लिए भी ऐसे पकड़ती थी, तो बोले तूने मेरी उंगली मोड़ी, तूने मेरे को पकड़ा, फिर और मारा मेरे को। मेरे कान बिल्कुल बंद हो गया था, ऐसे बुरे तरीके से मारा। मैं चिल्ला रही थी, दादाजी का रूम साइड में ही था, कोई बचाने भी नहीं आया। पता है मेरे को, मैं कह रही थी दादाजी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, कोई बचाने भी नहीं आता था जी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैंने सपना दीदी की वीडियो देखी हुई। यार, देख के मेरे को इतनी हैरान की हुई कि एक औरत पे इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। उनकी ज़िंदगी उथल पुथली हो गई है। उनके हस्बैंड तो नहीं है इस दुनिया में, बच्चों के लिए है, पर समाज किसी को छोड़ता नहीं है। फिर भी कम से कम देखो कि बच्चों के लिए जी रही है, बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहती है, उनकी सहायता करो। पर उनके कमेंट बॉक्स में देखा मैंने, यार अच्छे अच्छे कमेंट करो, वो मोटिवेट हो। हम सबकी ज़रूरत है, उनको सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।